लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे क्या ब्रेस्ट इम्प्लांट करने से कैंसर का जोखिम बढ़ता है। तो आइए आपको बताता हूं हकीकत क्या है। लेकिन उससे पहले बोलना चाहूंगा, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन की घंटी बजा दें, जिससे हमारे आने वाले सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं। महिलाएं अपने शरीर के बदलाव के लिए सजग रहती हैं। ऐसे में जिन महिलाओं के स्तनों का साइज छोटा होता है या किसी स्वास्थ्य समस्या के चलते जिनके स्तनों का साइज कम होता है, वह ब्रेस्ट इम्प्लांटेशन प्रक्रिया को अपनाती हैं। यह एक प्रचलित प्रक्रिया है जिससे शरीर की बनावट में सुधार किया जा सकता है। मौजूदा समय में अधिकतर महिलाएं ब्रेस्ट में इम्प्लांटेशन के जरिए स्तनों में बदलाव कर रही हैं। हालांकि इसे करवाने से पहले अधिकतर महिलाओं के मन में इस प्रक्रिया को लेकर के कई तरह के सवाल रहते हैं। इस प्रक्रिया को कराने वाली कई महिलाओं के मन में सवाल उठता है कि क्या ब्रेस्ट इम्प्लांटेशन से कैंसर का जोखिम हो सकता है। क्या ब्रेस्ट इम्प्लांटेशन से कैंसर का जोखिम बढ़ सकता है? आज के दौर में अधिकतर महिलाएं अपने फिगर को लेकर के सजग रहती हैं, वहीं स्तनों से जुड़ी कई समस्याओं में कुछ महिलाओं के स्तनों का साइज कम हो सकता है। किसी समस्या के कारण ब्रेस्ट साइज कम होने की वजह से हीन भावना के शिकार होने वाले महिलाओं के लिए ये इम्प्लांटेशन प्रक्रिया किसी वारदात से कम नहीं है। लेकिन इस इम्प्लांटेशन से गुजरने से पहले महिलाओं के मन में कई सवाल रहते हैं। कुछ महिलाओं को लगता है कि ब्रेस्ट इम्प्लांटेशन से ब्रेस्ट कैंसर का जोखिम हो सकता है। ऐसे में मैं बताना चाहूँगा, कई रिसर्च में इस बात का कोई भी पुष्टि नहीं हुई है। NCBI के अनुसार इस बात का कोई सबूत नहीं है कि सिलिकॉन ब्रेस्ट इम्प्लांट से ब्रेस्ट कैंसर या लिम्फोमा या अन्य ट्यूमर हो सकता है। ब्रेस्ट इम्प्लांट में एक दुर्लभ प्रतिरक्षा प्रणाली कैंसर का जोखिम हो सकता है, जो ब्रेस्ट इम्प्लांट्स के आसपास तरल पदार्थ या स्कार्स टिश्यू में बढ़ सकता है। यह ब्रेस्ट कैंसर नहीं है, जो ब्रेस्ट में कोशिकाओं से बनता है। ब्रेस्ट इम्प्लांट से जुड़े कुछ मुख्य लक्षण क्या हो सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ब्रेस्ट में सूजन हो सकती है, स्तनों या बगल में गांठ हो सकती है, स्तन में या उसके आसपास दर्द महसूस हो सकता है, स्तन के पास त्वचा पर लाल होना, स्तन का सख्त होना। ब्रेस्ट इम्प्लांटेशन से महिलाओं को कैंसर का जोखिम कम होता है, लेकिन यदि किसी महिला के शरीर में, महिला के घर में किसी को ब्रेस्ट कैंसर होता है तो यह संभव है कि ऐसे में उस महिला को भी कैंसर की संभावना हो सकती है। इसके अलावा यदि महिला के शरीर में पहले से ही कैंसर टिश्यू बन रहे होते हैं तो ये बाद में अपने प्रभाव को दिखा सकते हैं। ब्रेस्ट इम्प्लांटेशन के बाद भी महिलाओं को ब्रेस्ट चेकअप नियमित रूप से करवाना चाहिए। इसे ब्रेस्ट में कैंसर की पहचान समय रहते करने में मदद मिलती है, साथ ही कैंसर या अन्य संभावित समस्या का इलाज कम समय में किया जा सकता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।